मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल आई स्पेशलिस्ट हूँ। हम लोग उत्तर प्रदेश अलीगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं और 1962 में पिताजी अलीगढ़ से मुंबई आए। उसी समय मैं तीसरी क्लास पास करके चौथी में गोरेगांव में आरे रोड पर आईबी पटेल म्युनिसिपल स्कूल है वहाँ पर मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई और सातवीं पास करने के बाद मैं जिले पार्ले में बीएल रुइया बहुउद्देशीय हाई स्कूल में मैंने 11th हुआ 11वीं हुआ करती थी उस समय 11वीं पास की। उसके पश्चात फर्स्ट ईयर और इंटर ये साठे कॉलेज, आज उसे साठे कॉलेज कहते हैं, हमारे समय ये पार्ले कॉलेज कहलाता था, और इंटरमीडिएट साइंस पास करने के बाद फिर मुझे मुंबई के KEM हॉस्पिटल में एडमिशन मिला। वहाँ से मैंने MBBS की। MBBS करने के बाद आईज़ में MS ऑप्थल्मोलॉजी, DOMS, FCPS ये सारी डिग्रियाँ लीं। अब डॉक्टर बनने का विचार तो जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो जब कभी कोई डॉक्टर विजिट पे आता था तो सभी लोग देखते थे कि सभी लोग डॉक्टर डॉक्टर कह के उनके बैग को उठाने की हुड़ मस्ती थी। मतलब डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। तभी से विचार आया तीसरी चौथी क्लास में जब पढ़ता था कि डॉक्टर बनना चाहिए। और पहले ये था कि मेडिसिन के डॉक्टर्स बनेंगे या गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे, लेकिन थोड़ी राजनीति में रुचि थी। बाकी फील्डों में इमरजेंसीज होती है लेकिन आईज़ में इमरजेंसी नहीं होती, इसलिए मैंने ये आँखों का क्षेत्र चुना। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने ये सही निर्णय किया। नेत्र विशेषज्ञ समाज में अपना प्रैक्टिस करते हुए अपनी समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। जो लोग गरीब हैं, पैसे खर्च नहीं कर सकते, उन्हें मोतियाबिंद के ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तो शिविरों के द्वारा हम लोग उनका उपचार कर सकते हैं। तो मैं देश के विभिन्न भागों में नेत्र चिकित्सा शिविर लगाता हूँ। औरंगाबाद में मैंने नियमित रूप से नेत्र चिकित्सा शिविर किए हैं जिसमें हम लोग सिर्फ ऑपरेशन ही करते हैं। कोटा राजस्थान में किए हुए हैं, ऐसे कितने छिड़ावा में बहुत कैंप किए हुए हैं, और अभी मैं वात्सल्य ग्राम वृंदावन जो मथुरा में स्थित है वहाँ साल में 8 बार जाते हैं और एक शिविर में 350 ऑपरेशन करते हैं। ये मेरा सिलसिला पिछले 25 वर्षों से चल रहा है। तो यहाँ पर भी मुंबई में भी हम लोग झोपड़पट्टी जो स्लम्स होते हैं उसमें शिविर लगाते हैं, और उसमें जो लोग निकलते हैं करीब 25 से 30 पेशेंट, कभी 35 भी होते हैं, उनका भी ऑपरेशन हम लोग मुफ्त यहाँ पर ला करके करते हैं। बीच में रोटरी क्लब के माध्यम से भी मैं ऑपरेशंस करता था, और तलासरी में विश्व हिंदू परिषद का एक केंद्र है वहाँ से भी लोग बस में बैठ करके आते थे और उनका ऑपरेशन हम लोग अपने हॉस्पिटल में करते थे और फिर उन्हें बस में बिठा करके तलासरी भेज देते थे। तो नेत्र चिकित्सा शिविरों का आयोजन वो ऑपरेशंस के हों, चेकिंग के हों, चश्मा वितरण के हों या दवाई वितरण के हों, ये सिलसिला तो पिछले 40 सालों से प्रैक्टिस के साथ साथ चल रहा है। तो अभी शिविर के माध्यम से या ऐसे हॉस्पिटल में आके जो लोग आपसे इलाज कराते हैं तो इनकी संख्या लगभग कितनी होगी, कितने लोगों का आपने ऑपरेशन किया होगा, उनका इलाज किया होगा? मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस में तो मैं पिछले 40 साल से कर रहा हूँ, यहाँ पे तो ऑपरेशन मरीजों की संख्या 1 लाख से भी ऊपर जा चुकी है, और रोज हम लोग जो पेशेंट्स देखते हैं उनकी भी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। बट जो शिविरों के माध्यम से हम लोग करीब 30-35 हज़ार से ज़्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं। और जहाँ तक मरीजों के देखने का सवाल है, जो शिविरों में निःशुल्क करीब 1 लाख के ऊपर पेशेंट्स चेक कर चुके हैं, जिसमें चश्मा वितरण होता है, दवाई वितरण होती है, और जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उनका ऑपरेशन होता है। जो शिविर लगाते हैं जिसमें सार्वजनिक रूप से अलग अलग जगह से एक जगह पर इतने सारे लोग आते हैं, तो उसको लेकर लोगों के मन में कैसा विश्वास रहता है कि सही इलाज होगा, क्योंकि एक साथ इतने लोग
आ रहे हाँ हैं। नहीं, उसमें ऐसे होता है, एक तो डॉक्टरों की टीम रहती है, हम लोग जब वृंदावन में ऑपरेशन करते हैं तो 10 टेबल पे 10 डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, और वृंदावन का शिविर हमारा जो होता है कहने के लिए निःशुल्क है, लेकिन उसका वो बहुत हाईटेक शिविर है, वहाँ पे लेज़र मशीन्स हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, एयर कंडीशन ऑपरेशन थिएटर्स हैं, और मथुरा के जो मंत्री रहे हुए हैं उन्होंने अपनी पत्नी का ऑपरेशन हमारे शिविर में कराया। राजस्थान के ललित चतुर्वेदी जी जो मंत्री रहे हैं, अब नहीं है हमारे बीच में, उनके भाई दिनेश चतुर्वेदी जी ने हमारे शिविर में ऑपरेशन करवाया। और मतलब बहुत जो लोग वो सिर्फ इसलिए नहीं कराते कि वो फ्री में हो रहा है, उन्हें पता है कि भाई मुंबई से जो डॉक्टर्स की टीम आ रही है, जो डॉक्टर श्याम अग्रवाल आ रहे हैं, उनके ऑपरेशन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ये सोच करके वो लोग हमारे शिविर में ऑपरेशन करवाते हैं। अगर मथुरा में उन्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी तो यहाँ बम्बई आकर के कराएंगे और यहाँ पैसे देंगे पूरे, बट बिल्कुल शिविर निःशुल्क है इसलिए नहीं, लेकिन उनको पूरा विश्वास है कि भाई जो भी बॉम्बे के डॉक्टर्स काम करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। आपने तीसरी चौथी में यह सपना देखा कि आपको एक डॉक्टर बनना है और उसके बाद से इसकी शुरुआत हुई। अब आपकी उम्र कितनी है और आगे ये सिलसिला कहाँ तक, आप कहाँ अभी देखें? देखिए, मेरा 1955 का जन्म है, 12 जनवरी 1955। अब ये एक संयोग है, उस दिन स्वामी विवेकानंद का भी जन्मदिन है, 12 जनवरी 1900 12 बिल्कुल जनवरी बिल्कुल, युवा दिवस। हाँ, तो उसके हिसाब से मेरी उम्र 68 से 69 साल की हो जाती है। और डॉक्टर्स का तो ऐसा है कि मेरी इच्छा ये है कि अंतिम श्वास तक, ऑपरेशन श्वास भी निकले तो ऑपरेशन करते करते दम निकले, हम लोग बिना ऑपरेशन किए नहीं रह सकते।